अस्सलाम वालेकुम आज, वेलकम बैक। आज के वीडियो का टॉपिक है कन्वर्ट ब्लॉक टू फोगो पॉइंट विद पॉइंट नंबर एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन। समटाइम कुछ ऐसी फाइल्स आपको रिसीव होती हैं जिनमें कोगो पॉइंट के ब्लॉक बने होते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉक मेंशन किया है और यहाँ पे जो जनरली इंफॉर्मेशन उनके साथ दी होती है, पॉइंट नंबर होता है, एलिवेशन होता है और उसका डिस्क्रिप्शन होता है। ये डिस्क्रिप्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन जो भी है, ठीक है। और इसके साथ जो पॉइंट नंबर होता है और इसके साथ जो कोई भी एलिवेशन हो सकते हैं। तो मल्टीपल पॉइंट को आप कैसे एक ही दफ़ा में सेम लोकेशन पे सेम पॉइंट नंबर, सेम एलिवेशन और सेम डिस्क्रिप्शन के साथ आप वापस कोगो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं। यहां पे मैंने एक न्यू ड्राइंग ओपन की हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पे अपने कोको पॉइंट क्रिएट करके देख लेते हैं कि ये कोको पॉइंट जो है वो किस डाटा से हो सकते हैं और इस टाइप का जो डाटा है आपके पास, जैसे ये डाटा है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, ये सिविल 3D के पॉइंट हैं और यहाँ पे मैं इनको स्टाइल जो है वो असाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैं इनका स्केल जो है वो थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके साथ पॉइंट नंबर है, एलिवेशन है और डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे ये जो है, अगर आप इस एलिवेशन का डेसिमल जो है, हो सकता है आपके पास प्रसीजन जो है इसकी ज्यादा हो, तो हम इसको ज्यादा में रख के चेक करेंगे ताकि जो है हमें इसमें मोर एक्यूरेट जो है वो डाटा मिल सके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस मैंने इसमें जो है प्रसीजन 3 कर दी है। ये डाटा जो है, सपोज आपने किसी को कैड फाइल में दे दिया या आपको किसी ने कैड फाइल में दे दिया, तो ये जो है ये ब्लॉक की सूरत में होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने इनको अभी एक्सक्लूड कर दिया है। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये अभी ब्लॉक रेफरेंस के नाम से शो हो रहा है। और अभी अगर हम यहाँ पे इनको सेलेक्ट करें, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाएं, तो यहाँ पे ब्लॉक रेफरेंस 518, मतलब 518 ब्लॉक हैं जो इसमें हैं और इनकी एक्स वाई पोजिशन जो है सबकी वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है और इनके पॉइंट नंबर भी वेरिएबल हैं जो एक से स्टार्ट होके आगे की तरफ जो है लास्ट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट नंबर है, ये 1 है, उसके बाद ये 2, 3, 4 है और फिर ये इस साइड से जो है वो जो जैसे भी डाटा लिया गया है ये इस तरह है। तो अभी हमने इन ब्लॉक्स को वापस जो है अपने कोको पॉइंट में सेम लोकेशन में कन्वर्ट करके देखना है ताकि हम अपना काम जो है वो इजिली कर सकें और हमें ये जो डिस्क्रिप्शन है, हो सकता है ये डिस्क्रिप्शन जो है वो लॉन्ग हो सकती है और उसको सिंगल पॉइंट के साथ दोबारा टाइप करना बहुत मुश्किल होगा और ये एलिवेशन और ये पॉइंट नंबर भी दोबारा आप इसको अरेंज रीअरेंज करना जो है वो मुश्किल होता है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल इसको ध्यान से देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। इसके लिए जो है वो मैं आज एक न्यू ऑप्शन यूज करूंगा सिविल 3D में। यहाँ पे एक डायनमो की ऑप्शन होती है, तो मैं ये डायनमो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूंगा इसके लिए। ये स्क्रिप्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको भी ये रिक्वायर्ड हो वो ले सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये डायनमो स्क्रिप्ट है कन्वर्ट ब्लॉक टू कोको, ओके। तो ये स्क्रिप्ट आपको पहले इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले अगर आपने डायनमो यूज नहीं किया है तो आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे ये ऐसे ओपन नहीं होगा, यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, आपने जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है, ओके करना है और यहाँ पे ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। तो अभी आपने अपना स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे लोड करना है। मैं यहाँ पे ये ओपन पे क्लिक करता हूँ और ये जो मेरा स्क्रिप्ट है मैं यहाँ इस पे इसको ओपन करता हूँ। तो ये यहाँ पे देखें, ये मैसेज आ रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, ओके, और ये फाइल ट्रस्टेड है कि नहीं। मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ और यस करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया है, ओके। आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं और अगर ये यहाँ से रन नहीं होता तो फिर यहाँ पे ये जो डायनमो प्लेयर है आपको इसमें भी इसको ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो हम देख लेते हैं कि वहां पे हम कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक दफा क्लोज करता हूँ, ओके। यहाँ ये डायनमो प्लेयर है, ओके,
ये ओपन होना शुरू हो गया है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट आपको बाय डिफॉल्ट नजर आ रहे हैं जो कि सिविल 3D के बाय डिफॉल्ट डेमो के साथ आते हैं, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये लोकेशन है, मैंने जहाँ से इसको कॉपी किया यहाँ से, ओके। और यहाँ ये जो ओपन फाइल है, ओके, यहाँ पे मैंने इसके लिए क्लिक किया है, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ तो वो स्क्रिप्ट अभी यहाँ पे आ गया है। अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं होगा तो हो सकता है आपके पास ये वर्क ना करे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी हम सिविल 3D में दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक रेफरेंस ही है। मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं इसको एक दफा डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखें तो कोई भी चीज दूसरी नहीं है। अभी हम अपना डायनो स्क्रिप्ट इसमें रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे डायनो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डायनो पे क्लिक किया तो अभी बाय डिफॉल्ट जो हमने पहले ऐड किया था वो यहाँ पे ये आ गया है, ओके। इसको रन करने से पहले यहाँ पे प्रोस्पेक्टर टैब में यहाँ पे ये जो पॉइंट ग्रुप है यहाँ पे आपने एक न्यू पॉइंट ग्रुप बना लेना है। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे आपने ये नाम दे देना है ब्लॉक टू कोको पॉइंट्स, ओके। अभी यहाँ पे आप ये जो डायनमो है इसको आप यहाँ पे डबल क्लिक करें कन्वर्ट ब्लॉक टू कोको पॉइंट। जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये सारा जो भी स्क्रिप्ट है ये यहाँ पे जो क्रिएट किया हुआ है ये आ गया यहाँ पे। आप लोग इसको जूम करके यहाँ से देख सकते हैं, ओके, कि इसमें क्या क्या चीज जो है वो क्रिएट की गई है, ओके। मैं जस्ट इस पे रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया है, ओके, ये रन हो गया है और इसने अपना रिजल्ट ड्राइंग में दे दिया है। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है, ओके, यहाँ पे ये जो है, ओके, ये पॉइंट नंबर जो है, ये पॉइंट नंबर किस वजह से डिफरेंस आया है कि यहाँ पे हमने जो है पॉइंट क्रिएशन में यहाँ पे हमने अपना जो जो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये जो पॉइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये हमने 1 पे नहीं किया था, ओके। तो हम इसको दोबारा करके देखते हैं कि ये नंबर जो है वो मैच करता है कि नहीं करता, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको एक दफा अंडू करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ब्लॉक ही है, ओके। यहाँ से मैं इन ब्लॉक को कॉपी करता हूँ, कॉपी न्यू फाइल, ओके, और यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया, पहली ड्राइंग मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ओके। ये ड्राइंग टू आ गई है। अभी मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट क्रिएशन टूल है यहाँ से मैं इसको आइडेंटिफिकेशन देखता हूँ, यहाँ पे ये एक ही है, ओके। मैं इसको जेड इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ और यहाँ पे अभी मैं फिर इसको दोबारा जो है वो आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्टेप इसीलिए किया था कि हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल ड्राइंग ओपन हो और आपने पॉइंट क्रिएट किए हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम डायनमो स्क्रिप्ट जो है अभी दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ मैनेज टैब में डायनमो, ओके, मैं इसको यहाँ पे एक दफा बंद करता हूँ। और आपने पहले पॉइंट ग्रुप जो है वो जरूर क्रिएट करना है, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप न्यू, ओके, यहाँ पे आपने इसको जो है वो नाम देना है ब्लॉक टू कोको पॉइंट, ओके। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से आपने डायनमो को रन करना है। ये थोड़े से टाइम में रन हो जाएगा, यहाँ पे ये ओपन हो गया, इसको आपने डबल क्लिक करना है, ओके। और अभी आप इसको यहाँ से रन करें, ये रन हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है अभी ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे स्केल चेंज कर देता हूँ। अभी आप कोई भी पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, ओके, जैसे ये 16 नंबर है, ये हमारा कोको पॉइंट क्रिएट हुआ है, ओके। और इसी के नीचे इसका ये जो है आप देख सकते हैं, ये इसका ब्लॉक रेफरेंस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आप लोग देखें, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कहीं से भी आप देखें तो ये बड़ा एक्यूरेटली काम करता है, ओके। इसको मैंने यहाँ से देखा, ओके, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैच कर रही है, इसका एलिवेशन भी मैच कर रहा है और इसका पॉइंट नंबर भी मैच कर रहा है। यहाँ पे देखें वो प्रोसीजन है जो हमने वहां से साइन की थी पहले, इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये मैच होता है कि नहीं होता, ओके। यहाँ पे मैं इसको, ओके, यहाँ से ये प्रोसीजन अभी हमने मैच करके देखनी है कि ये होती है कि नहीं होती है, ओके।
ये डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे ये एलिवेशन है। यहाँ पे आपने ये जो है इसको आपने 3 डेसिमल पे कर देना है, ऐड कर देना है, ओके कर देना है, ओके कर देना और ओके कर देना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हर चीज जो है यहाँ पे मैच हो रही है और आप अपने काम को बड़े स्पीड से और बड़े एक्यूरेट तरीके से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसके लिए जो है इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।